तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और बहुत ही मज़ेदार वीडियो में। हम लोग आज घूमने वाले हैं पहलगाम। हम ये जाने वाले हैं फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। यहाँ पे तीन वैलीज़ है बहुत फेमस, आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी। हम लोग जाने वाले हैं आरू वैली और बेताब वैली, दो आज कवर करेंगे इस पूरे दिन में। आपको बताऊँगा कैसे टैक्सी वगैरह वहाँ तक जाती है, क्या चार्जेस वगैरह रहते हैं, पूरा आपको साइट सीइंग दिखाएंगे। मेरी नज़र से कश्मीर देखो, वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लो। तो इस तरह से यार टूरिस्ट के ना यहाँ पे टैक्सी यूनियन के रेट्स होते हैं और फिक्स रेट्स होते हैं, कोई भी डिस्काउंट वगैरह वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ये सारे रेट्स हैं। ये टैक्सी स्टैंड है इनका पूरा, ठीक है। ये है, हम एग्जैक्टली अभी पहलगाम में खड़े हैं, वहाँ का ये टैक्सी स्टैंड है। तो यहाँ से आप सारी साइट सीइंग वगैरह बुक करवा सकते हैं। ये सामने है दुआ पार्क है, मामालेश्वर टेम्पल है, पोशवान पार्क है, आरू वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी। और हुआ क्या, अभी हॉस्टल से हमने टैक्सी बुक की है और हम लोग आज जा रहे हैं आरू वैली और बेताब वैली। और यहाँ पे यहाँ से जाती है आगे टैक्सी। भाईजान कितना है यहाँ से बेताब वैली, कितना है इस जगह से टैक्सी? 8 किलोमीटर। यहाँ से बेताब वैली 8 किलोमीटर है और आरू वैली? आरू वैली 12। आरू वैली 12 किलोमीटर। और बेताब वैली से फिर हम आरू वैली जाएंगे? पहले आरू वैली जाएंगे? नहीं, पहले हम बेताब वैली जाना चाहते हैं। पहले बेताब वैली जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सी जगह पहले जाना चाहते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेशन दी थी कि आरू वैली जो है वो बेहद खूबसूरत है, तो अच्छी जगह हमेशा आखिर में जाना चाहिए। तो चलो, डिजायर गाड़ी है, चलते हैं हम लोग। तो हम लोग पहली डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। मेरे पीछे है बेताब वैली और यहाँ की एंट्री टिकट लगती है 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो टिकट लेंगे, अंदर जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं अंदर के नज़ारे। All right guys, so this is your Betab Valley. इस जगह का नाम बेताब वैली कैसे पड़ा? सनी देओल की जो डेब्यू मूवी थी बेताब, उसकी शूटिंग इस जगह पे हुई थी और उसके बाद ये जगह इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि इस जगह का नाम ही पड़ गया बेताब वैली। वैसे पुराना नाम इसका हंगस वैली था। फिलहाल अभी सिर्फ एंटर हुए हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है अंदर, वैली कैसी है। थोड़ी सी धूप है बट गर्मी नहीं है। चले आगे। और मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं कोलकाता से श्रीजित एंड विशाखापट्टनम से कार्तिक। अगर मैं सही मायने में बताऊँ ना, तो देखा जाए तो कुछ खास है नहीं यहाँ पे करने को। एक ही एरिया सा बना हुआ है, इट्स लाइक अ फॉरेस्ट। इसके अंदर से आप जाओ, एक रिवर है, एक ब्रिज है, थोड़ा बहुत यहाँ पे घूम लो। फोटोज़ खिंचवाना चाहते हो तो बहुत अच्छी जगह है। एक ये छोटी सी यहाँ पे कैंटीन भी बनी हुई है, वहाँ पे आप बैठ के ब्रेकफास्ट लंच कर सकते हो। बेसिक चीज़ें मिलती हैं, मैगी वगैरह। तो बेताब वैली में ना यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे भाईजान मिल जाएंगे, गाइड्स हैं ये, और ये लोग घोड़े पे आपको लेके जाते हैं। भैया कहाँ कहाँ लेके जाते हो, कैसा क्या क्या चीज़ें होती है, एक बार लोगों को बता दो। सर यहाँ पे क्या है कि वाटरफॉल है, यहाँ पर रिवर क्रॉसिंग है, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में किसी जगह पानी में घोड़ा नहीं चलता है, तो यहाँ पर घोड़ा चलता है पानी में। सर वाटरफॉल है और यहाँ पे मतलब 5-6 जगह है, बहुत अच्छी जगह है। और टूरिस्ट आता है तो बहुत खुश होके जाता है, जैसे कि घोड़े पे गया तो जैसे हम उसको रेट बोलता है 400-500 हज़ार जो भी है। कितने घंटे का होता है? घंटे ये एक घंटा दो घंटा होता है टोटल। एक घंटे का 400 से 800 ऐसा? हाँ सर, हाँ सर। एक घंटे का 400 मान लो एग्जाम्पल। हाँ तो उसमें आपको वाटरफॉल पर लेके जाएंगे और यहाँ पर एक रिवर है और रिवर के ऊपर घोड़े पर आपको बिठा के रिवर क्रॉसिंग करवाएंगे। तो रिवर तो फिर वही हो गया ना, लिदर। हाँ, शेषनागिरी रिवर। जैसे आप रास्ते में बहुत सारे व्यूज देखते हो, बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं, उसके ऊपर पानी बह रहा है। और दूसरी बात ये है सर, जो रेट लेता है उसके अलावा हमको बख्शीश मिलता है सर। ठीक है, जैसे कस्टमर खुश हो जाता है तो वो बख्शीश बहुत बहुत अच्छी तरीके से हमको देता है। ठीक है, बहुत अच्छा जगह। तो अगर आप ये टूर करना चाहते हैं तो माइंड में रखना कि बेताब वैली आप आएंगे तो टैक्सी के साथ यहाँ पे पहुँचने के चार्जेस अलग हैं, एंट्री टिकट अलग है, उसके अंदर जाके फिर आप ऐसे गाइड वगैरह को मिल सकते हो और ये आपको फिर और आगे लेके जाएंगे टूर्स वगैरह करने के लिए। राइट जी, थैंक यू सो मच भाई। वेलकम सर। भाई ये जगह है, मौसम अच्छा हो, रिलैक्सेशन के लिए अच्छा है, अपना मैट वैट सब ले आओ, जस्ट फाइंड अ गुड शेड और वहाँ पर बैठ के अपना इंजॉय करो फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ। खुला सा एक मैदान है, सामने पहाड़ है, वादियाँ हैं। क्यों भाई, बोर तो नहीं हो रहे हो? नॉट येट। मुझे तो मतलब
क्या ही बोलूं, एम्प्टी लग रहा है। ये भाई है ना जो मेरे साथ, दिस वन ही इज अ ट्रैक मास्टर। भाई साहब ने पता है 15-15 ट्रैक कर लिए, और इनको ऑब्वियसली जो जिस बंदे को ट्रैकिंग में इतना मज़ा आता होगा उसको ऐसे प्लेन लैंड में क्या ही मज़ा आता होगा। मतलब ज्यादा कुछ है नहीं इसमें करने में। Exactly. वैली तो बिल्कुल ही नहीं है, छोटा सा मैदान है। मैदान है बेसिकली, वैली इज लाइक, इसको अगर पूरा सराउंडिंग में सारी देखा जाए तो यस इट्स अ ब्यूटीफुल वैली, बट एग्जैक्टली जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हमें यू नो जिसके लिए हमने टिकट दिया, वो एक खुला सा मैदान है और चारों तरफ पहाड़ है, बस यही है। तो गाइज यहाँ पे ना ये छोटे छोटे से काउंटर्स बने होते हैं जहाँ पे आप कश्मीरी ड्रेस पहन के अपनी पिक्चर्स वगैरह खिंचा सकते हैं। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज ये सब लेडीज़ की है बट अगर आप फिर भी खिंचाना चाहते हैं तो ऐसे यहाँ पे बने होते हैं काउंटर्स। तो ये थोड़ा सा एरिया मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इट्स अ फोटो पॉइंट, और देखा जाए तो मोस्टली यहाँ पे सब औरतें हैं, और इधर रिवर है, फुट रिवर, वो देखो बच्चे जा रहे हैं पानी क्रॉस करके, और इधर बहुत सारी लेडीज़ हैं तस्वीरें खिंचा रही हैं। चलो हम भी चलते हैं अंदर। तो अभी मैं पानी के यहाँ पे बीचों बीच आ गया हूँ, बेहद ठंडा है पानी पैर मैंने रख लिया पानी के अंदर ही। इधर पानी बिल्कुल कम है, पत्थरों के ऊपर मैंने पैर रखे हुए हैं, और यहाँ पे धीरे धीरे जो है पानी तेज़ हो जाता है। इट्स लाइक पत्थरों का ना एक छोटा सा आइलैंड टाइप सा बना हुआ है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इस जगह पे, थोड़ी देर के लिए पानी ठंडा जरूर लगता है पर बाद में नॉर्मल हो जाता है। अमृतसर बिल्कुल जन्नत ही है। बेताब वैली, और ठीक था, इट वॉज़ फन। ये जो लास्ट पार्ट था ना रिवर वाला, यहाँ पे थोड़ा मज़ा आया, और यहाँ पे बहुत सारे औरतें थी, मुस्लिम एंड सिख, लोकल्स फ्रॉम कश्मीर, बट बहुत ज़्यादा शाय थी, तो देवर से हैं कि मेरी फ़ोटोज़ नहीं आनी चाहिए, मेरी वीडियोस मत बनाओ। या भरो क्या है बच्चे चलो यहाँ से चलते हैं, एंड नाउ वी आर हेडिंग टू आरू वैली। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे ना हमें एक जगह पे रुकने के लिए 1 घंटा मिलता है मैक्सिमम। अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं तो 400 रुपीज़ पर 1 आवर आपका रेट बढ़ता जाता है। थोड़ा सा मुझे अजीब लगा ये सिस्टम, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह को आप 1 घंटे में फ्रैंकली नहीं घूम सकते हो, क्योंकि जगह इतनी ज़्यादा बड़ी है। पहले तो अंदर आने में 15 मिनट लग जाते हैं, बाहर जाने में 15 मिनट अलग से लगेंगे, तो आधा घंटा तो यहीं चला गया। और हमने यहाँ पे जो चार्जेस दिए हैं फ्रॉम आर हॉस्टल, क्योंकि वो पहलगाम से थोड़ा 10 किलोमीटर्स अवे है, टोटल चार्जेस हमें पड़े 2600 रुपये, टू एंड हाफ आवर्स बेसिकली। तो बाकी चलते हैं आरू वैली, वो भी आपको दिखाते हैं। भाई इस जगह की क्या ही खूबसूरती है यार, आई मीन हम लोग गाड़ी में जब से बेताब वैली से आरू वैली की तरफ जा रहे हैं, एक एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे दिल करता है कि फोटोज खिंचवा लो बस उतर के, अपना टाइम बचाओ। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं आरू वैली,
और यहाँ पे भी हमें एक घंटे का स्टॉप मिलेगा। और बाकी मैं आपको थोड़ा सा ना जो मुझे एक चीज़ फील हो रही है उसके बारे में आपसे बाद में डिस्कस करूँगा। पहले देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली है क्या घूमने वाला। आसपास की वादियाँ तो बहुत खूबसूरत है लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो अगर सिर्फ वादियाँ ही देखनी है तो फिर वो तो रास्ते में भी बहुत खूबसूरत वाटरफॉल्स थे, पहाड़ थे। तो एनीवे सब पहुँच गया, देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स चेक दिस प्लेस आउट। 15 मिनट तो हो भी गए भाई। ये है आरू वैली। इट्स बिन 15 मिनट्स, हम लोग सिर्फ चल रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। इस तरह से यार है सारा अभी तक, लेकिन कुछ समझ आ नहीं रहा है कि एग्जैक्टली यहाँ पे करना क्या है। बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर दैट व्यू जिसके लिए लोग कह रहे थे कि आरू वैली बहुत खूबसूरत है। ठीक है, सामने अगर आप देखेंगे दैट ब्यूटीफुल ट्रीज, माउंटेंस, हॉर्सेज ऑन द फील्ड, बट व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट? एनी व्यूज गाइस? नो। एब्सोल्युटली नॉट अ वैली, इट्स कुड बी बेटर और वी आर मिसिंग समथिंग। मेबी वी आर एट द रॉन्ग पॉइंट, और आई डोंट थिंक सो वी आर एट द रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि एक ही रास्ता हम फॉलो कर रहे हैं बट यहाँ पे लोग ही नहीं है यार। वहाँ चल के देखो, लोगों से ज़्यादा घोड़े हैं यहाँ पे। भाई कह रहा हूँ ऊपर चलते हैं, उधर लेट्स सी, इतना आधा घंटा वाला चलते हैं नाटक है। पर यार ये टाइम वाला सिस्टम बहुत नौटंकी है यार। एक घंटा वो देते हैं, एक घंटे में घूम के आ जाओ, नहीं तो पैसे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आधा घंटा तो भाई ऊपर चढ़ने में भी लग जाएगा और आधा घंटा ऑलरेडी हमें होने भी वाला है। अगर अपनी एक घंटे में तो पॉसिबल ही नहीं है पहुँचना। वही मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पे ना अपनी गाड़ी लेके आओ, वो बेटर है। उससे क्या आपका टाइम का बॉन्डेज नहीं रहेगा, जितना मर्जी इधर यहाँ पे रुको, एंजॉय करो। आप सोलो ट्रैवल भी कर रहे हो ना, बाइक हायर कर लो, जिस भी होटल में आप रह रहे हो या हॉस्टल में रह रहे हो वहाँ से बाइक पकड़ो। पल्सर का क्या रेंट बताया था? 1000 रुपये में पल्सर मिल जाती है। आराम से यहाँ पे आओ, जितनी देर मर्जी घूमो, बैठना है बैठ जाओ। लेट्स स्टार्ट द ट्रैक और चलते हैं ऊपर, वहाँ सामने। भाई नदी कैसे क्रॉस करेंगे यहाँ से? हाँ अच्छा, उधर से। हो गया तो मुझे लगा थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। पूछा भैया से, आरुवेली भाई जो घोड़े से लोग जाते हैं कहां पे? क्या कह रहे हैं? बोले उस साइड है आरुवेली। उस साइड? हाँ। तो इधर क्यों उतार दिया हमें? मतलब ये क्रॉस करना होगा हमें मैन्युअली। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, एक घंटे में सब कुछ करना? हाँ। तो यार हमने काफी हाइट कवर कर ली है, काफी ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ है वैली का व्यू। अब ये वैली देख के ना थोड़ा थोड़ा यू नो अच्छा अच्छा फील हो रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है। बट अभी वो ऊपर और जाना है, अभी हम सिर्फ हाफ में आए हैं। फाइनली रीच्ड, पहुँच गए भाई। वो देखो हाइट, वाह। फाइनली भाई मिशन सक्सेसफुल, ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रैक आई वुड से। काफ़ी स्टीप था यार। और ये सामने गेट है, हम लोग पहुँच गए आरू वैली। थोड़ी सी सांस फूल जाती है, होंठ थोड़े सूख जाते हैं, और बैग वैग भी हम साथ में कैरी कर रहे हैं, कैमराज वगैरह उसमें तो थोड़ा सा होता है। बट वंस यू रीच देयर तो ऐसा लगता है आपने कुछ पता नहीं हासिल कर लिया। मुझे तो लग रहा है आई एम एन एमेच्योर व्हेन इट कम्स टू क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग, सो मुझे तो अच्छा लग रहा है फाइनली पहुंच के। सामने गेट है, वो थी वो बिल्कुल नीचे पेड़ देख रहे हो, वहाँ से हम आए हैं ऊपर। और ये गेट है आरू वैली का, यहाँ पे शायद अंदर जाने के लिए टिकट लगती है।
20 रुपए की टिकट है अडल्ट की। सलाम वालेकुम भाई जान। आज भी वालेकुम सलाम। हाँ ये साथ बात करता है ना, ये बोलता इधर कितना बार आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए कहानी। तो यहाँ से वो कितनी दूर है यहाँ पे ईटिंग स्पॉट? 2 मिनट का। अच्छा चलिए, यहाँ पैरा राइडिंग भी अगर आपको करना तो आगे है। ठीक है, शुक्रिया भाई जान। वही यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है। ओके गाइस, खूबसूरत नज़ारा है यार, ग्रीनरी है पूरी यहाँ पे। अगेन इट्स अलॉट लाइक खजार जो डलहौजी में, बट वो थोड़ा प्लेन है और ये थोड़ा स्लोप्स है इसमें, और सामने का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। इधर मिलेगा मैगी वगैरह मिलेगा शायद, मैगी चाय, मैगी कॉफी, कवा सब कुछ। तो एक छोटा सा यहाँ पे एक तंबू बना हुआ है, मैगी पॉइंट। भाई सब से बात करते हैं। जनाब क्या क्या मिलेगा? जो आप खाएंगे। फिर भी मैगी है, कहवा है, कॉफी है। मैगी है, कॉफी है, कावा है, और चाय, चाय भी है। खाने में सिर्फ मैगी है। सो हम लोग ऊपर आ चुके हैं आरू वैली में, एंड आई मेट हिम राहुल, ही इज फ्रॉम दिल्ली। एंड सर थोड़ा सा बताओ, आपको ये जगह कैसी लगी? अच्छी लगी? ओके ओके लगी? ओवर हाइप लगी? कैसी लगी? इट्स प्योरली व्हेन यू केम हियर यू विल फील लाइक यू आर ऑन अ हेवन, एंड इट्स ऑन अर्थ अ ब्यूटीफुल वैली, एंड व्यूज आर टू गुड, सीनिक ब्यूटी, मतलब इट्स वर्थ कमिंग ओवर हेयर। एंड इफ़ यू आर इन श्रीनगर, जस्ट डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस, वेरी गुड प्लेस। सो नाउ यू हैव द गुड रिव्यू फ्रॉम वन ऑफ द पीपल हु केम हेयर, नॉट फ्रॉम मी। सो मैं तो अपना रिव्यू बाद में दूंगा, आखिर में जब हम यहाँ से बिल्कुल नीचे उतर जाएंगे। बट लुकिंग एट हिम आई थिंक इज लुकिंग रियली फ्रेश, तो ऐसा लग नहीं रहा कि ट्रैक करके आए ऊपर। हाँ जी, अभी ऊपर पूरा चल नहीं, नहीं हम पौनी से ही आए। अच्छा, तभी इतने फ्रेश लग रहे हैं। या, या। Alright, तो चलो, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। एंड इनके साथ मेरी दोनों डॉटर्स हैं, से हाय। ये अमृतसर में पैदा हुई है? हाँ दोनों ना? नो, शी बॉर्न इन दिल्ली। ग्रेट, शी इज नाउ डूइंग MBBS। ओह वाओ, ग्रेट, नाइस मीटिंग यू सर। थैंक यू, सेम हियर। वो जगह है जहाँ पे मुन्नी बजरंगी भाईजान में भेड़ के पीछे भागती है और गिर जाती है, ये वो वाली जगह है। एग्जैक्टली अरे ये देखो इस तरह से वो शॉट था। अगर आपने फिल्म देखी होगी ना तो वो शॉट इस तरह से लिया गया था, ये देखो। लेकिन नीचे उधर भी पूरा घास है। तो हम यहाँ पे चिल कर रहे हैं आरू वैली पे, मैगी शैगी खा रहे हैं, और ये यहीं पे रहता है लड़का। तुम्हारा नाम क्या है? मुख्तियार अहमद पठान। मुख्तियार अहमद पठान, यहीं पे रहते हो? हाँ। घर क्या है तुम्हारा? घर वहाँ पहाड़ी के पास, मुन्नी के घर के पास। मुन्नी बजरंगी भाईजान वाली? हाँ। वाह वाह वाह, तुमने देखा है उसको? हाँ देखा है। पर तुम तो तब बहुत छोटे थे, तुमने कैसे देख लिया? बहुत छोटे थे ना। अब तो वो बड़ी हो गई लड़की। हाँ। चलो, स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? फिफ्थ में हो? चलो बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई करना, फिर तुम भी जाना बॉलीवुड और वहाँ पे फिल्म बनाना कबीर खान की तरह। फिर उसमें मुन्नी को बोलना कि तुम मेरे गांव में आके शूटिंग किया था, ठीक है? बाय बोल दो। सो यहाँ पे एक जगह है जिसको कहते हैं बायसरन, और यहाँ के लोग उसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। वहाँ पे भी लोग ट्रैक करके जाते हैं। बट ये जगह पे खड़े होके यार, आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं लग रहा। यहाँ पे भी कैटल है, ग्रीनरी है चारों तरफ, पाइन ट्रीज, देन लुक एट दोज माउंटेन्स देयर, और ब्यूटीफुल सी प्यारी सी ग्रीन सी एक हट है वहाँ पे, एंड सम हॉर्सेस एज वेल। अब बताओ भाई लोग, क्या ये कम है स्विट्जरलैंड से? वैसे हम स्विट्जरलैंड क्यों बोल रहे हैं भाई? दिस इज कश्मीर, दिस इज जन्नत। डोंट कंपेयर। हम स्विट्जरलैंड को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयर भी नहीं करना, नाम भी क्यों ले यार? स्विट्जरलैंड के लोग कहते हैं कि दिस इज मीनिंग कश्मीर। नो, हम लोग क्यों मीनिंग स्विट्जरलैंड बोलते हैं हर जगह पे?
let Srinagar be Srinagar, let Kashmir be Kashmir, let Pehlgam be Pehlgam, that's let it. Let Bangas be Bangas. Such an amazing beauty, mesmerizing views, man. और जो धूप चलेगी ना भाई उसके कारण ना और ब्यूटीफुल हो गया, वो हल्का सा एक लाइन सी ऊपर आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ ज़ूम इन करके। और डॉग्स भी दिखाई दे रहे हैं लोकल शेपर्ड्स के। मज़ा तो आ ही गया। पहले पहले मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग रहा था, मुझे लग रहा था यार ये मतलब इट्स अ प्लेन ग्रीन लैंड, क्या ही मज़ा आएगा। बट वो जो पूरा एक्सपीरियंस आप कवर करके नीचे आ जाते हो ना, थोड़ा सा आपको अच्छा अच्छा सा फील होता है। तो आरू वैली से निकल के हम थोड़ा सा ही आगे आए और रास्ते में ये क्या नज़ारा है यार, क्या व्यू है, मतलब एक सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं सकती। दिल करता है इसको बस निहारते जाओ, इस खूबसूरती का मज़ा लेते जाओ यार, अद्भुत यार, मन ना अंदर से खुश हो गया बहुत। मतलब ऐसी जगह देख के मैं बच्चा बन जाता हूँ यार, वाकई में कश्मीर जन्नत है यार। बेहद खूबसूरत यार। ऑल राइट गाइस, तो हमारा टूर हो गया ख़त्म, वापस आ गए हम पहलगाम मेन बाज़ार में। सामने है मेरे मुग़ल दरबार, यहाँ पे लंच करेंगे और थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि मुग़ल दरबार में हम क्या खाने वाले हैं, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। सो व्हाट डिड वी ऑर्डर, चिकन यखनी ना? दिस इज चिकन यखनी, दिस लुक्स वेरी टेम्पटिंग ब्रो। एंड दिस ऑफ कोर्स इज मटन बिरयानी, सॉरी दिस इज मटन बिरयानी। आइडियली क्या होता है, मटन के पीसेज हम जब लेते हैं तो बिरयानी के बिल्कुल ऊपर होता है। द बिरयानी लुक्स गुड, ये बासमती लग रहा है मुझे, राइट? खिला खिला सा चावल है यार। साथ में थोड़ा सा यखनी भी डाल लेते हैं साइड पे। ये है भाई चिकन पुलाव, तो हमारे पास है चिकन पुलाव, मटन बिरयानी, समर रायता एंड फाइनली चिकन यखनी। सो लेट्स एंजॉय दिस फीस्ट, लेट्स हैव सम बिरयानी ब्रो। बहुत बढ़िया। और ये है भाई चिकन यखनी, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, ये बोनलेस है, मुझे लगा था विद बोन आएगा। आई लाइक विद बोन पर्सनली, यखनी जो है दही में बनता है, हल्की हल्की सी ना इसमें खटास है, बट जो टिक्के के पीस है ना दैट इज स्मोकी मैन, मज़ा आ गया। Even the mutton is cooked perfectly. So guys, खाना हमने खा लिया, बेहद मज़ा आया यार, मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूँ। और बिरयानी वॉज अमेजिंग, यखनी वॉज अमेजिंग, मतलब कश्मीरी खाने, आए हाय हाय क्या बात है यार। तो एनी वेज, फ़िलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। ये है हमारी गाड़ी, हम लोग जा रहे हैं वापस अपने हॉस्टल। अभी फ़िलहाल मौसम हो चुका है बहुत ही बढ़िया, दिल तो कर रहा है यहाँ पे थोड़ा सा और घूमा जाए, लेकिन थक गए यार सुबह से वो सारा कुछ करके ना कवर। लास्ट में मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप नेचर लवर हैं तो ये जो टूर हमने आज किया वो आप कर सकते हैं, और अगर आपको टाइम की फ़िक्र नहीं है और पैसे की फ़िक्र भी नहीं है तो आप मस्त अपना वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो ऊपर। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है और पैसे आप नहीं खर्च करना चाहते हो, क्योंकि हर घंटे का फिर आपको पैसे बढ़ते जाएंगे, 400 रुपये एक घंटे का बढ़ता जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो आपको पसंद आई होगी, फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और शेयर करना वीडियो भाई जितनी कर सकते हो, भाई को सपोर्ट करो,
और चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो बेल होती है ना, अच्छा जो नोटिफिकेशन बेल होती है वो भी दबा देना।